इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ में एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी मैडम ने जलपली म्यूनिसपैलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, AIMIM काउंसलर्स और TRS काउंसलर्स के हमरा हजरत सैयदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जियारत की और उर्से शरीफ के इंतजामों का जायजा लिया। जायरीन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, जलपली म्यूनिसपैलिटी कमीशन को ऑर्डर और पहाड़ी शरीफ के एरिया डेवलपमेंट के कामों के लिए 1,50,00,000 की लागत से हो रहे रोड के काम से पहाड़ी शरीफ के लोगों ने मैडम का शुक्रिया अदा किया। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। जहांगीर ना जहांगीर भाई एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंदिरा मैडम यहाँ पर बाबा शरफुद्दीन अहमदुल्लाह अलैह के उसके इंतजाम को देखने आए, जो बंदी बल्कि आवरस्तानी के जो जो मसाइल है दरगाह के उर्स के ताल्लुक से, जो जो ज़रूरियात के काम हैं वो पूरे जायज़ा लिए मैडम, और इंशाल्लाह वादा की है कि मैडम की जानिब से जो यहाँ पर शेड का काम जो कराया जाएगा यहाँ पर बाबा शरफुद्दीन अहमदुल्लाह अलैह के दामन में जो शेड की खुला आंगन है वहाँ पर शेड का भी काम कराए जाएंगे और रूस के इंतजाम जो जो ज़रूरी है पूरे करे जाएंगे। हम मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं, जैसा मैडम बता रहे हैं कि पहाड़ी शरीफ के लिए जो भी ब्यूटिफिकेशन जो जो ज़रूरत है, जो हमारे दरगाह के लिए जो हमारी तहजीब है जो या जो पहाड़ी शरीफ पूरे शान है उसको देखते हुए मैडम यहाँ पर इंटरनल रोड्स उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए और कमान की ब्यूटिफिकेशन के लिए और यहाँ पर बच्चियों के तालीम के लिए भी मैडम अनाउंसमेंट की है कि 5 करोड़ पे, ये 5.5 करोड़ पे हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। जो सालों से जो काम नहीं हुए आज हमारे मैडम के कदमा इतने मुबारक है कि हमारे पास आज एजुकेशन के बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, रोड्स बन रहे, शादी मुबारक के स्कीम से पानी का मसला जो 72 करोड़, जैसा पहाड़ी शरीफ में भी बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में 30,00,000 लीटर की टाँगी बनाई जा रही, जो पहाड़ी शरीफ के लिए बहुत ही हमारे लिए बहुत कबूल की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जो आज मैडम जो काम कर रहे हैं हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पूरे जलपली म्यूनसिपालिटी के आवाम और पूरे हमारे काउंसलर जो हमारे साथ मैडम शानो बशाना ठहर कर डेवलपमेंट के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और गंगा जमुना तहजीब जो बरकरार रखे हैं, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।